हेलो गाइस, तो आज हम करने वाले हैं 6 महीने पहले जो हमने नींबू थे जो बड़े वाले उनको 6 महीने के लिए डब्बे में बंद किया था, उनका क्या हुआ है चलो देखते हैं। और साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और आपकी पहले एक छोटी सी झलक दिखा देता हूँ उस वीडियो की, और आपको आई बटन पर ये वीडियो मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आरंभ करते हैं। तो गाइज अब मैं वहां लेकर चलता हूं जहां पर हमने रखा हुआ था। ठीक है, हम जा रहे हैं, चलो 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 चलो। तो गाइज हमने यहाँ पर रखा हुआ है, ये देखिए। ठीक है, तो गाइज मैं निकाल रहा हूँ। ओह, मुंह के ऊपर जो है देखिए गाइज, मैं उतर रहा हूँ वापस। तो गाइज ये देखिए, ये है हमारा डब्बा जिसके अंदर हमने संतरे अर्थात नींबू बड़े वाले जो पहाड़ी नींबू होते हैं वो डाले थे इसके अंदर। अब हम इसको दिखाते हैं, चलो खोल के दिखाते हैं इसको, है ना। ये रख देते हैं नीचे। तो गाइज अब डब्बा खुल रहा है, ये देखिए क्या हाल कर दिया है नींबू का। जो हमारे बड़े वाले नींबू थे उनका इतना बुरा हाल हो गया है कि ये जो है वो सड़ गए हैं। देखो देखो, इसके अंदर जो पानी है वो बड़ा ही अच्छा है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। एक चीज़ में कर सकते हैं, आपको बताया था मैंने। ठीक है, तो गाइज मैंने बताया था कि हम एक ऐसी चीज़ करने वाले हैं जिससे कि पेड़ पौधों में जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको जो है अगर मारना है तो हम इस दवाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम उसको दिखाते हैं आपको, चलिए चलते हैं। तो गाइज अब हम इस रसीले संतरे में हम इसको डालने वाले हैं। ये आप जानते हैं क्या है, देसी पौआ। तो गाइज हमने ढक्कन खोल लिया है, अब ढक्कन खोल करके अब इसका भी खोल लेते हैं और डालते हैं हम इसके अंदर, क्योंकि मुझे इसके अंदर डालने के का एक कारण है, क्योंकि हम दूर जा रहे हैं और इसको उठा कर ले जाएंगे तो आप जानते हैं, है ना, तो ठीक नहीं है, इसको आराम से लेकर जा सकते हैं। तो गाइस इतनी दो नींबू थे, दो बड़े वाले, पूरा का पूरा रसीला संतरा जो है पूरा भर दिया। ठीक है, इतना रस होता है इसके अंदर। तो गाइस अगर तो अब चलते हैं हम पेड़ पौधे के अंदर डालने। तो गाइस हम जो है वो बिल्कुल सही समय पर पहुंचे हैं, क्योंकि बारिश का मौसम भी हो रहा है। देखिए बादल जो हैं वो अपने विपरीत
विकराल रूप में आ चुके हैं। अब हम हमारा काम है इनको दवाई देना, ताकि हम ये पानी बरस करके जो इन पेड़ों को अच्छे से ख्याल कर सकें। और चलिए हम पहले इनको दवाई देते हैं। तो गाइस, मैंने चुना है इस पौधे को, अब हम इसको देने वाले हैं दवाई। इसकी मात्रा जो है वो बिल्कुल थोड़ी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने सारा का सारा इसके अंदर झोंक दिया तो ये पेड़ हो जाएगा इसका, ठीक है? तो हे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, तो हमें बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में इसका इस्तेमाल करेंगे। बाकी पेड़ भी हैं यहाँ पर बहुत सारे, उनमें भी देना जरूरी है, ठीक है? बस बहुत है ये। अब बाकी पेड़ है ये गाइस, हमने चुना है इसको, अब इसमें डालते हैं। बस बहुत है। तो गाइस, अगला पौधा ये, बहुत है। अब एक पौधे में और डालते हैं, है ना? तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? कर दो यार, कर दो जल्दी से। अब दो में और डालनी है हमें, दो में, एक इसमें डाल देते हैं। एक इसमें डाल रहा हूँ भाई, ये डाल दिया। तो गाइज, हम इन पौधों को एक महीने के बाद इसका रिजल्ट देखेंगे कि ये दवाई काम भी करेगी या नहीं, ठीक है? तो गाइज, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।